लिए मैं संजीवनी विद्या जानता हूं। लेकिन कह दिया बृहस्पति जी ने, जगत में जो आता सदा रह न पाता, रहता सदा वो है आता न जाता। आप आए हो तो क्या जाओगे नहीं, फिर क्या होगा? ठीक है, समझ में आ गया। सागर मंथन के लिए दोनों सेनाएं आ गई समुद्र के किनारे। मंद्राचल पर्वत को उखाड़ करके समुद्र में डाला, बासुक सर्प को रज्जू बनाया खींचने के लिए। अब तो देवता लोग और यह दानव लोग जब उसे खींचने का प्रयत्न करने लगे तो यह खींचने में नहीं आया है। जब ठाकुर जी को मनाया, सहस्त्र बाहु सहस्त्र भुजाओं के बल से इधर और इधर दोनों तरफ भगवान ने आकर के मंथन किया, और जैसे मंथन को खींचा बहुत भारी होने के कारण मंद्राचल पर्वत नीचे समुद्र में जाने लगा। अब तो त्राईमाम त्राईमाम, हे प्रभु जी बताओ हमें क्या करना है। उसी समय देवताओं का कल्याण करने के लिए भगवान विष्णु कच्छप रूप माने कछुए का रूप धारण करके मंद्राचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण कर लिया और समुद्र में नीचे जाने से रोक लिया है। ये भगवान का परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी बता रहे हैं, कच्छप रूप जो हुआ है यह देवताओं का कल्याण करने के लिए और मंद्राचल पर्वत को उठाने के लिए हुआ है। एक बार प्यार से बोल दो, कच्छप भगवान की। और घनघोर वेग से मंथन प्रारंभ हो गया, और जैसे ही यह मंथन चलाया तो सर्वप्रथम मंथन के द्वारा हला हल काल कूट नामक विष निकला। और आज इस विष को देखते ही दैत्य दानव देवता सभी गबरा गए, सृष्टि उलट पलट हो जाएगी, भगवान कोई भी बचने वाला नहीं है ऐसा लगता है। ब्रह्मा जी की शरण में देवता लोग गए। ब्रह्मा जी ने कहा मैं इसका कोई उपाय नहीं जानता हूं। महादेव भोले बाबा के पास में गए, लेकिन भगवान भोलेनाथ ने कहा मैं भी नहीं सॉरी या भगवान विष्णु नारायण ने बोल दिया मैं भी कुछ नहीं कर सकता भैया देवताओं, लेकिन एक उपाय बता देता हूं, लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए। हम कभी कोई हमारे पास आता है ना और अपना होता है खास तो उसे कुछ मना नहीं कर पाते, लेकिन अपने पास व्यवस्था नहीं होती है ना तो ऐसे बोलते दूसरे के पास हो तो जाएगी, बता तो दूंगा लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए। वही बोल दिया भगवान नारायण तो बड़े चालाक है ना, कह दिया एक व्यक्ति संसार में है जो तुम्हारा काम बना सकता है लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए, मैं भी तुम्हारे साथ में चलूंगा। और वह कौन है? वह है देवों के देव महादेव। और सारे देवता लोग भगवान नारायण के सहित ही महादेव जी के पास में आ गए, और महादेव जी के पास में आकर के आज बड़ी सुंदर स्तुति को करना प्रारंभ कर दिया इन्होंने। देव देव महादेव भूतात्मना भूत भावन त्राहिनम सनापन्नम स्त्रीलोक दहनात विषा। हे भगवान, हे गोविंद, हे महादेव, कोटि कोटि वंदन आपके चरणों में। भोले बाबा ने देखा, पार्वती जी कहने लगे देवता शोरगुल क्यों कर रहे हैं स्वामी। भगवान श्री हरि के द्वारा स्तुति को सुना, क्या बात है? भोले बाबा ने पार्वती माता के कान में कहा सुनो, क्योंकि माता जी ने पूछा है ना क्यों पधारे हैं देवता लोग। भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती से बोल दिया है, ये मुझे विष पिलाना चाहते हैं इसलिए शोर कर रहे हैं, या मुझे विष पिलाना चाहते हैं। अब लेकिन देवी एक बात तो बिल्कुल सत्य है कि मैं कोई भी काम तुम्हारे बगैर तो नहीं कर सकता हूं ना, इसलिए बताओ विष को पी जाऊं या नहीं, विष को पिया जाए या नहीं। पहले उनसे निर्णय करने से पहले तुम्हें पूछ रहा हूं पिया जाए या नहीं। माता पार्वती जी ने कहा पी जाओ। बोले बाबा ने कहा तो ठीक है, देवताओं से कहा एक बात बताओ क्या चाहते हो। देवताओं ने कहा भगवान हलाहल विष। बोले बाबा ने कहा तो आने दो। और जैसे ही हलाहल विष को भगवान ने खींचना प्रारंभ किया, जैसे ही गले में उतारा, भगवान को स्मृति हुई कि मेरे हृदय में तो मेरे भगवान श्री मन नारायण भगवान श्री हरि का वास है, और यह हृदय में अंदर चला गया तो भगवान को पीड़ा होगी कष्ट होगा, वह तो यह सहन ही नहीं कर सकते ना, इसलिए अब तो बाहर नहीं निकाल सकते अंदर नहीं ले जा सकते, इसलिए अपने श्री कंठ में भगवान महादेव ने उस विष को धारण कर लिया, उनका कंठ नीला पड़ गया है। लेकिन देवताओं ने उन्हें नीलकंठ महादेव के नाम से जाना। एक बार प्यार से बोल दो नीलकंठ महादेव की।
लेकिन एक बात तोर माता सुनो, कथा में ब्याज जी ने कहा था पी जाओ। पतिव्रता नारी का धर्म है पति की सेवा करना, पति का भी कर्तव्य है अपनी पत्नी के आचरण स्वभाव का पालन करना। अब ब्याज जी ने कहा था, बोले बाबा ने पूछा पार्वती जी को तो माता जी ने बोल दिया बिस्को पी जाओ। अब हमका कोई कम पतिव्रता थोड़ी है, मौका मिलेगा तो हम भी कह देंगे तुम भी पी जाओ है? ऐसा अब कथा ऐसा कर देते हैं बहुत से लोग। हम क्या कोई सती से कम पतिव्रता थोड़ी है, मौका आएगा तो बोल देंगे अपने पति से हम भी दिखा देंगे आप भी पी जाओ। लेकिन वह तो महादेव जी के स्मृति को बल को प्रकार को जानती थी माता जी, इसलिए बोल दिया था कि मेरे पति को विष पीने के बाद भी कुछ नहीं होने वाला, और जगत कल्याण का काम करने के लिए जा रहे हो स्वामी तो फिर कर डालो पी जाओ इस विष को। लेकिन आपने अगर कह दिया ना पी जाओ तो डेढ़ ही मिनट लगेगी गोविंदाय नमो, डेढ़ मिनट में काम खत्म। इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं इस बात को ग्रहण मत कर लेना, ऐसा तुम्हें नहीं करना है। ऐसा तो माता साक्षात भगवती जी ने कहा है महादेव जी को, क्योंकि वह अपने पति के ऐसर के विषय में जानती है इसलिए। और यहां आगे सागर मंथन चला है बहुत अच्छी तरह से देखिएगा। तत् ऐरावतो नाम बाणेन्द्रो विनृत, ऐरावत नाम का हाथी कल्प वृक्ष अप्सराएं निकली जो देवताओं को दे दी गई, कौस्तुक मणि निकली जो भगवान विष्णु को दी गई है। जो भी निकलता है देवता लोगों को भगवान नारायण ने लिया, कामधेनु गाय निकली जो अग्निहोत्र मुनि ले गए उसे। लेकिन उसके बाद में स्वयं शोभायमान माता लक्ष्मी जी निकल करके आई तो झगड़ा होने लगा। सुनो, देवताओं ने कहा हम लेंगे, से दैत्यों ने कहा तुमसे बड़े बलशाली हैं हम, नजर भी मत कर देना नहीं तो फोड़ देंगे आंखों को, हम लेंगे से। अब तो झगड़ा होने लगा, इधर से आवाज जा रही है नहीं हम लेंगे, इधर से कहने लगे नहीं हमें चाहिए, पीछे वालों ने कहा नहीं हम लेंगे। ब्रह्मा जी ने देखा या तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए आ गए वहां पर गट्टो करके और कहा सुनो भैया कौन लेगा किसके पास, या रहेंगी या स्वयं इनके ऊपर डाल देते, इसलिए स्वयंवर की रचना कर दी, अपना अपना आसन डाल के बैठ गए सभी। और माता श्री लक्ष्मी जी जो सागर से उत्पन्न होकर के आई हैं, आज जयमाला लेकर के जा रही हैं, देखा है सबसे पहले दुर्वासा ऋषि बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा ये तो गड़बड़ है महाराज, बात बात पर क्रोध आ जाता है इनको तो, और कहीं भोजन बनाने में थोड़ा नमक मिर्च भी कम रह गया ना तो एकदम से जल लेकर के श्राप भस्म कर देंगे, ठीक है नहीं, ऐसा आदमी ठीक नहीं है। आगे बढ़ गई, इसलिए आगे देखा गुरु बृहस्पति जी को, देवताओं के गुरु हैं ऐश्वर्यवादी हैं सब कुछ ठीक है, लेकिन विषमता इनके अंदर है, जहां विषमता होती लक्ष्मी जी का वास नहीं होता। आगे शुक्राचार्य जी को देखा है, देखा या एक ही पक्ष का साथ देते हैं केवल दैत्यों का, लक्ष्मी जी तो एक पक्ष का साथ देने वाली नहीं हो सकती। उसके बाद में आगे बढ़कर के देवराज इंद्र देवताओं के राजा है, पुरुषार्थ भी इनके अंदर है, लेकिन विवेक की कमी है, सब कुछ होने के बावजूद भी सहायता के लिए दूसरों के पास भागते हैं, सर्वस्व होते हुए भी विवेक की कमी है, इसलिए यह भी मेरे लिए ठीक नहीं। आगे गई ब्रह्मा जी को देखा, यह तो गड़बड़ है, चार मुख वाले हैं, कोई भी पीछे वाला काम होता है ना गुप्त वाला नहीं कर पाएंगे, पति देव को सब पता रहेगा, वैसे भी बहुत आयु है, देवता दानव सभी कहना मानते। आगे बढ़कर के महादेव भोले बाबा बैठे हुए हैं, बड़ा सुंदर अमंगल भाव है, ठीक है तपेश्वरी संत है भस्म लगी हुई है, लेकिन एक ही बात से गड़बड़ बता दिया, इनका संग अच्छा नहीं है, ये भांग दतूरा खाते हैं, और ये क्या मुंडों की माला, और ये इनके अमंगल भेष धारण करने वाले गण लोग हैं, मेरे से कैसे हो पाएगा, छोड़ दिया। आगे बढ़ गई, लक्ष्मी ने देखा है नारायण भगवान बैठे हुए, गर्दन नीचे झुकी हुई है, अधरों पर हल्की सी मुस्कान है, बहुत सुंदर स्वरूप है, घुंघराले बाल चौड़ी छाती बाजू बंद भुजाओं में बहुत सुंदर स्नेह है, और आज जयमाला को डाल दिया लक्ष्मी जी ने, सब गुण संपन्न तो यही है इसलिए यही मेरे लायक है। और जैसे जयमाला पहनाई न
नारायण भगवान ने हाथ पकड़ा और कह दिया कान में भाग चलो, क्योंकि मेहनत कर रहा है कोई और ले जा रहा है कोई। लेकर के चले गए, प्रेम से बोलेंगे लक्ष्मी नारायण भगवान की। अब देवताओं को जो डर था वही हो गया, दैत्यों ने कहा अपने अपने घर जाओ, अब सागर मंथन नहीं होगा, जो भी निकलता है तुम लोग ले लेते हो, हमें कुछ दिया तुमने, अपने घर जाओ, हमें नहीं करना यह मंथन। देवताओं ने भगवान से कहा, लक्ष्मी जी को ले जाकर बैठ गए हो, क्या कर रहे हैं अब? भगवान ने कहा इन दैत्यों से यह बोल दो कि अब के जो भी निकलेगा वह तुम्हारा होगा, चाहे वह अमृत ही क्यों ना हो। और देवताओं ने बोल दिया भैया सागर मंथन तो करना पड़ेगा, लेकिन अब की बार बाधा है, जो निकलेगा वह तुम्हारा। और देखिएगा बड़ा सुंदर नाम है, जब सागर मंथन हुआ तो अब की बार निकला है बाउड़ी नाम की कन्या और मदरा, ये तो लायक ही दैत्यों की है, दे दिया ये तुम्हारा है, तुम लो इसे। उसके बाद मंथन चला है बाल नाम की, ध्वज नाम के चंद्र निकले, चंद्रमा भगवान भोलेनाथ को दिए गए, इन्होंने भी कुछ किया है भाई, इनको दे दिया, जो कि उनकी मस्तक की शोभा बनाते, बाल चंद्र बोलते हैं। और उसके बाद में सागर मंथन चला है बहुत अच्छी प्रकार से, विभिन्न भांति रत्नों के द्वारा आज यह धनवंतरी भगवान अमृत का घड़ा लेकर के जैसे निकल करके आए, राजा बलि ने बढ़ करके वह घड़ा उसे छुड़ाया और लेकर के भागना प्रारंभ कर दिया। देवताओं ने कहा हो गया काम, जिसके अंदर सामर्थ्य राजा बलि से वह छुड़ा लिया जाए। भगवान के पास देवता लोग गए, आज भगवान ने कहा देवताओं तुम्हें अब कुछ नहीं करना, जो भी करूंगा मैं करूंगा। इसलिए साथियों आज ध्यान देने की बात है, भगवान ने देवताओं का भला करने के लिए आज मोहिनी रूप धारण कर लिया। मोहिनी माने नारी का रूप, और ऐसा सुंदर स्वर रूप बनाया मोहिनी, विश्व मोहिनी, सारे विश्व को परमात्म मोहित कर देने वाला रूप। और आज बड़ा सुंदर बात से मोहिनी रूप में, मोहिनी अवतार में, एक बार बोल दो प्यार से मोहिनी भगवान की। दैत्यों के पास में आ गए अपनी पायल से छम छम छम। राजा बलि ने जैसे देखा ये तो बुद्धि खराब हो गई दैत्यों की, तो कामातुर हो गए यहां से। और राजा बलि ने पूछ लिया देवी किसकी पुत्री हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा, क्या काम करती हो तुम। सारे दैत्यों ने गिन लिया। मोहिनी भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा है राजन मेरा नाम है मोहिनी, और हे राजन मैं लता पताओं की पुत्री हूं। राजा बलि ने कहा वो तो हमें लग रहा है, लेकिन काम क्या है। भगवान मोहिनी ने मुस्कुराकर के कहा राजन मेरा कार्य है सभाओं में नित्य आलिंगन करना, अपने मन से दबाव नहीं। राजा बलि ने कहा तो हमारे पास चलिए ना, हमारे यहाँ हमारी सभा में कुछ। भगवान नारायण कह रहे हैं जो मोहिनी बने हुए हैं जहां पर झंझट होता है ना, कला होती है, वहां नहीं जाती मैं। और आप तो भाई भाइयों में झगड़ा हो रहा है, मैं तुम्हारे साथ कैसे चली जाऊंगी। राजा बलि मोहित हो गया, देवी ये झगड़ा जो हो रहा है ना ये अमृत के विषय में हो रहा है, हम दोनों एक ही पिता की संतान है, भाई भाई है, अमृत के लिए झगड़ा हो रहा है। आप एक काम करो ये अमृत का घड़ा ले लो और बराबर बराबर बांट दो, झगड़ा समाप्त हो जाएगा फिर चलना। भगवान मोहिनी मुस्कुरा करके कह रहे हैं इसीलिए तो आए हैं, आए तो इसीलिए हैं झगड़ा समाप्त करने के लिए। और वह घड़ा ले लिया हाथों में, देवताओं को कुछ सांत्वना मिली, चलो एक पंक्ति में दैत्यों को बिठा दिया, एक पंक्ति में देवताओं को बिठा दिया। और आज राजा बलि के कान में आकर भगवान खुसर खुसर करने लगे, कहने लगे सुनो मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूं, इसलिए एक राज की बात राजा बलि आपको बता देना चाहती हूं। क्या? ये अमृत है ना मैंने देख लिया है, ये जमा हुआ है समुद्र में बहुत वर्षों से रखा है ना, इसलिए जम गया है। अब एक बात बताऊं, यह ऊपर ऊपर का ये नीचे का गाढ़ा वाला अमृत तुम्हें पिलाऊं या ऊपर ऊपर का पतला वाला अमृत पिलाऊं, पहले तुम्हें पिलाऊं या पहले देवताओं को पिलाऊं। राजा बलि ने कहा अब एक बात तो बता दो, जब प्रेम करती हो तो यह गाढ़ा वाला पीने से क्या होगा और पतला वाला पीने से क्या होगा। मोहिनी भगवान ने मुस्कुरा करके कहा यह गाढ़ा वाला अमृत पियोगे ना तो ज्यादा दिनों तक अमर रहोगे, और पतला वाला अमृत पियोगे ना तो कम दिनों में ही गोविंदाय नमो नमः।
अब कामातुर दैत्यों की समझ में तो कुछ आ रही रहा है, इसलिए राजा बलि ने कहा पहले अमृत देवताओं को पिलाओ, क्योंकि हम तो आपके नित्य कला का आनंद ज्यादा दिनों तक लेना चाहते हैं। देवी भगवान ने कहा तो राजा बलि बता दो मुझे, मैं देवताओं को अमृत पिला दूं। ये कितना सुंदर शब्द है, भगवान ने राजा बलि से ही कहलवाया है पिला दूं। राजा बलि ने कहा पिलाओ, लेकिन यहाँ पर एक सर्वांगु नाम का दैत्य था, बड़ा चालाक था। ऐसा ना हो जाए, मन में सोच रहा है कहीं अब गाढ़ा अमृत के चक्कर में पतला भी ना पीने मिले, इसलिए बहुत चालाक है। उसने सोच लिया मैं तो पतला वाला भी पीऊंगा और गाढ़ा वाला भी पीऊंगा, ज्यादा दिनों के लिए अमर रहना है मुझे तो ज्यादा दिनों के लिए। इसीलिए आज गुप्त रूप से देवताओं का भेष बनाकर सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर बैठ गया, और मोहिनी भगवान अमृत पिलाते हुए आ रहे, अमृत पिलाते 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 आज सूर्य नारायण को, चंद्रमा बीच में उस सर्वांगु को भी अमृत पिलाया, और चंद्रमा को जैसे ही अमृत पिलाया सारे देवताओं ने खड़े होकर कहा भगवान आपने क्या किया, या दैत्य को अमृत पिला दिया है। भगवान ने कहा तो पंक्ति वेदन करता, अपना अपना ही चाहते हो तुम, या औरों का नहीं चाहते, या चंद्रमा बाद में बैठा था इसलिए वो बड़ा चालाक था बीच में बैठा है। भगवान ने सुदर्शन का आह्वान किया और उसकी गर्दन पर चला दिया, लेकिन अमृत नीचे उतर गया था इसलिए मरा नहीं, दो हो गए दो। भगवान ने कहा देवताओं और टुकड़े करूं क्या, देवताओं ने कहा हां हां कर दो, लेकिन सूर्य चंद्रमा ने कहा नहीं भगवान, इन देवताओं का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, बिगड़ेगा तो हमारा बिगड़ेगा, इसलिए दो ही बहुत हैं। हमारे बीच में तो ये अमर होने के लिए एक ही काफी था, लेकिन अब एक से दो हो गए, अब इससे ज्यादा मत करना नहीं गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि भयभीत हो गए। आज भी देखने के लिए मिलता है जब ग्रहण होता है ना, वो उनकी ही प्रकोप, उनका ही प्रकोप होता है सूर्य चंद्रमा के ऊपर जब आता है, परेशान होते बेचारे। लेकिन यहां दैत्यों ने देखा हमारे साथ छल किया है, इसलिए युद्ध प्रारंभ हो गया है, और देवताओं ने आज युद्ध प्रारंभ किया, देवासुर संग्राम नाम से युद्ध हुआ, राज देवताओं ने राजा बलि को परास्त कर डाला। देवलोक में जाकर आसीन की आसन आनंद लेने लगे, लेकिन यहां शुक्राचार्य जी ने अपने संजीवनी विद्या से अपने शिष्यों को जीवित किया और राजा बलि के द्वारा विश्वजीत नामक यज्ञ प्रारंभ करा दिया, सारे विश्व को जीतने वाला यज्ञ। और इस यज्ञ को जैसे ही कराया बहुत सुंदर रथ निकला, एक बहुत सुंदर कवच निकला, धनुष बाण तरकस निकला, बहुत सुंदर ध्वजा निकली, जिस पर सवार होकर के राजा बलि फिर देवताओं के पास जा चढ़ा। और जैसे राजा बलि को देवताओं ने देखा भागने लगे, और भगवान के पास में आगे प्रभु त्राईमाम त्राईमाम त्राईमाम। भगवान ने कहा देवताओं तुम्हारा कुछ भी होने वाला नहीं है, अब एक काम करो, अभी तुम्हारी विवेक में कमी है इसलिए भजन करो जाकर कंदराओं में, भजन करो जाकर के। और देवताओं को भजन के लिए भेज दिया। राजा बलि शुक्राचार्य जी के द्वारा अश्वमेध यज्ञ कर रहा है, सदा सदा के लिए देवराज इंद्र बनाने के लिए राजा बलि को शुक्राचार्य जी 100 यज्ञ कराना चाहते हैं, 99 यज्ञ पूर्ण होने जा रहे हैं। किसी भी ब्राह्मण किसी भी संत किसी भी अतिथि को अपमानित नहीं किया जाता है, बहुत श्रद्धा से नर्मदा नदी के किनारे यज्ञ चल रहा है। अब ऐसे ऐसे महापुरुष को का वध करना, देवता पागल हो गए हो क्या, राजा बलि का वध असंभव है, संभव नहीं है, आप जाओ देखा जाएगा। लेकिन आज देवता कंदराओं में जाकर भजन करने लगे, बहुत समय हो गया, लेकिन माता अदिति के आश्रम पर कश्यप जी महाराज पधार चुके हैं, क्योंकि अब अदिति माता कश्यप जी की पत्नी है, दिति के आश्रम से वो अदिति के आश्रम पर पधारे, और जैसे ही पधारे माता अदिति ने बोल दिया है स्वामी आपकी जो पत्नी दिति है ना उनके पुत्रों ने मेरे पुत्रों पर अत्याचार कर रखा है, बहुत परेशान हूं मैं, आप मुझे कुछ बताएं उपाय बताइए, मुझे कुछ कहिए तो सही। तभी आज कश्यप जी महाराज ने बहुत सुंदर कहा है दिति को, और एक बहुत सुंदर उपाय बताया है, प्रयोव्रत। माता अदिति ने कश्यप जी के द्वारा बताए हुए अनुष्ठान को धारण कर लिया है, बहुत सुंदर व्रत है यह, फाल्गुन के महीने में किया जाता है, स्वामी सुखदेव जी बता रहे राजा परीक्षित को आज। फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाय प्रयो व्रत, द्वादशाय प्रयो व्रत, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।
फाल्गुन के महीने में प्रतिपदा माने पहले ही दिन से श्यामले कृष्ण पक्ष में अर्चय दरविंदाक्ष भक्ता परमा विंदिता भक्त परमा विंदिता श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। बहुत सुंदर व्रत बता दिया है। फाल्गुन के महीने में कृष्ण पक्ष में पहले दिन प्रतिपदा से द्वादशाय प्रयो व्रत, एकादशी का अगला दिन होता है, द्वादशी तक 12 दिन का यह व्रत होता है। और जो भी माताएं दूध पीकर इस व्रत को पवित्र मन से धारण करती हैं उनके जीवन में कल्याण आता है, सुंदर पुत्र रूपी भाव। और माताएं इतने धारण कर लिया, बहुत अच्छी तरह से व्रत पूर्ण किया, भगवान नारायण ने आकर दर्शन दिया उनको। और साथियों बहुत सुंदर भाव है, आज भगवान स्वयं माता आयती के यहाँ पर वरदान देकर गए, पुत्र बन करके आना चाहते हैं। और बड़ा सुंदर बताया है, संपूर्ण व्रत को करने के बाद में भगवान प्रसन्न होकर के दर्शन देकर के चले गए, लेकिन समय आया है भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है आज, और अपनी माता के सारे कष्ट को निवारण करने के लिए श्रवण नक्षत्र में अभिजित मुहूर्त में आज भगवान नारायण भगवान विष्णु बामन भेष धारण करके प्रकट होकर के आ गए। प्रेम से बोलिए बामन भगवान की, बामन भगवान की। क्यों भूख लगने लगी है क्या? जोर से बोलते तो फिर बोलिए बामन भगवान की, आनंद कंद भगवान की। और बामन भगवान जैसे आए, बहुत सुंदर महोत्सव मनाया है बामन जी के स्वागत का। कश्यप जी ने, सूर्य ने उन्हें गायत्री मंत्र दिया है, बृहस्पति जी ने उन्हें जनेऊ दिया, कश्यप जी ने मेखला, पृथ्वी ने मृग चर्म, चंद्रमा ने दंड दिया है, मतलब आयती ने गोपी ने देवताओं ने छत्र दिया, ब्रह्मा जी ने उन्हें कमंडल दिया है, सप्तऋषियों ने कुश और सरस्वती माता ने रुद्राक्ष की माला इनको दी, कुबेर ने इन्हें भिक्षा पात्र दिया है, माता अन्नपूर्णा ने स्वयं भिक्षा डाली इनके पात्र में। और देखिए बहुत सुंदर भाव के साथ बड़े आनंद के साथ आज ब्रह्मा जी ने इशारा कर दिया, भगवान जिस कारण से आपका आगमन हुआ है ना, आप पधारिए ना, और चलने लगे नर्मदा नदी के किनारे की। बहुत सुंदर भाव के साथ में आज बामन भगवान चले हुए जा रहे हैं, नर्मदा नदी के किनारे पर राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ में जाकर के कुछ करना चाहते हैं देवताओं के लिए। और बहुत सुंदर यज्ञ में भ्रमण करने के बाद में बैठ गए हैं, यह आसन लगा लिया, जो भी एक बार देख लेता देखता रह जाता है बामन भगवान को, इतनी सुंदर झांकी का दर्शन है भैया, बड़ा सुंदर। और आज सेवकों ने जाकर के राजा बलि को बोल दिया है, राजन आपके यज्ञ में बहुत सुंदर विप्र माने ब्राह्मण देवता पधारे हैं, बहुत सुंदर ब्राह्मण, और ऐसे सुंदर ब्राह्मण को आज से पहले तो कभी देखा ही नहीं हमने, और ऐसे सुंदर से ब्राह्मण का दर्शन करने के लिए राजा बड़ी लालायित हो गया और दौड़ करके आ गया है बामन भगवान के चरणों में, आकर के छोटा सा स्वरूप है ना इसलिए घुटने डाल करके बैठ गया है, और बस केवल मुख को निखार रहा है, मुखमंडल को निखार रहा है। और भगवान बामन जी आज जोड़ी माला लेकर भजन करने में लगे हुए हैं, भजन चल रहा है, माला जोर से चल रही है, राजा बलि सोच रहा है कब ये आंखें खोलेंगे, अपने छोटे से मुख से कब मुझे ये कहेंगे कुछ मांगने के लिए, और मैं इन्हें कुछ दान दूंगा। जैसे देखा राजा बलि लालायित है, भगवान ने माला को पूरा किया और एकदम से बोल दिया है, राजा बलि आप ही है ना, आप ही राजा बलि है ना, हाँ मैं ही राजा बलि हूं, बहुत बड़ा यश मैंने आपका देखा है राजन,
बहुत बड़ा प्रताप फैला हुआ है आपका, मैंने देखा है आप बहुत बड़े धर्मात्मा हो राजा बलि। लेकिन मैं आपसे मिलना चाह रहा था, आप जाना चाहता हूं, लेकिन राजा बलि ने चरणों को पकड़ लिया है, आप ऐसे कैसे चले जाओगे हमारे यहां से। अरे विप्रवर, हे ब्राह्मण देवता, मेरे यज्ञ में ब्राह्मण आकर के बिना दक्षिणा के अगर चला जाता है तो वह यज्ञ निष्फल हो जाता है। आप मुझे मेरे हितैषी बनकर आए हो या फिर शत्रु बनकर आए हो? वामन भगवान ने कहा, राजन बनकर तो हितैषी आया हूं तेरा, तो फिर कुछ दक्षिणा मांगो ना। वामन भगवान ने कहा, मुझे दक्षिणा लेने की कोई आदत नहीं है, मैं दक्षिणा नहीं लेता हूं, यह काम नहीं है मेरा। और बड़ा सुंदर कहना प्रारंभ किया है, राजन मैं तेरे दादा बाबा सबको जानता हूं भैया, बहुत बड़े बड़े महान वीर दानवीर हुए तेरे यहां। बहुत सुंदर कह दिया, 5 मिनट का समय आपका और लिया जाएगा, निवेदन आपसे थोड़ा सा। बड़ा सुंदर राजा बलि को कहने लगे हैं यह बहुत अच्छी तरह से। तुझसे छिपी कोई हकीकत नहीं है राजन, या मैं तुझे बता देना चाहता हूं, तू जानता है, तू सब कुछ पता है, तुझे बहुत बड़ा दानी है, मैं यह भी जानता हूं तुझे, लेकिन तू भी जानता है कि मैं कुछ लेने देने का काम नहीं करता भैया। बहुत प्यारे शब्दों में कह दिया, तुझसे छिपी कोई हकीकत नहीं है, तुझसे छिपी कोई मुझे राजन, हो धन की मुझे कोई जरूरत नहीं है, तुझसे छिपी कोई हकीकत नहीं है, तुझसे छिपी कोई हकीकत नहीं है, धन की मुझे कोई